सोमनाथ मंदिर मंदिरठारे 30 कोटी टंका बयरे निर्माण होइतबा नूतन सर्किट हाउस रो होइची लोकार्पण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यमरे एहारो उद्घाटन करिचो श्री नरेंद्र मोदी अवतीर्णं तं सोमनाथं प्रपद्ये यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है कृपा के भंडार खुल जाते हैं पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं साथियों ये जब सर्किट सर्किट हाउस की कमी एक है अतिथि ग्रू वो भी दूर तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले समंदर दर्शन होते रहे यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा समंदर की लहरों में सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो गीर हो द्वारिका हो बेड द्वारिका हो इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा साथियों जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं साथियों अलग अलग राज्यों से देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब एक करोड़ श्रद्धालु आते हैं ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव कई नए विचार एक नई सोच लेकर के जाते हैं इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूझना न पड़े उलझना न पड़े